तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन सुबह सुबह मेरे लिए रोटी बना रही है। और शानू देखिए, मेरा भाई डांस करते हुए, पता नहीं वहाँ पे एक सॉन्ग बज रहा था तो इसलिए वो डांस कर रहा था, पागल हो गया ये भी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। और देखिए, अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और ये दोनों की मस्ती किचन में। मेरी बहन देखिए रोटी बेल रही है इतनी बड़ी बड़ी। मैंने बोला उससे थोड़ी छोटी बेल ले, बोल रही नहीं मेरे से बड़ी बड़ी ही होती है। साइज़ देखिए जरा, पूरा तवा भर के रोटी। हाँ पतली है, मैंने बोला थोड़ा साइज़ में छोटा कर, दिखने में अच्छी लगती है छोटी छोटी, तो बोल रही थी नहीं। तो मैंने ये फटाफट से फिर रोटियाँ सेक ली थी सुबह उठकर, उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि अकेले अकेले कर रही थी कि धूप भी आ चुकी है। और अभी हम लोग खाना वाना खा के फिर जाएंगे धूप में, क्योंकि काफ़ी ठंड है सुबह और शाम को भी काफ़ी ठंड है। दिन भर में धूप रहती है तो उतनी ठंड नहीं होती है। और अभी देखिए मैं रोटी वोटी सेक के पापा को देने जा रही हूँ। पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो पापा के लिए गरम गरम दूध, रोटी। और पापा चने लेते हैं सुबह, भिगो के रखते हैं रात में, चने हो गया, फिर गुड़ हो गया, पता नहीं बादाम वगैरह सब कुछ भिगो के रखते हैं, वही सब सुबह उनका ब्रेकफास्ट में हो जाता है। तो साथ ही जैसे कि वहाँ आप लोग देख रहे हैं कि रोटी बेल रही है और मैं यहाँ रोटी सेक रही हूँ, और पापा के लिए दूध ले जा रही हूँ गरम गरम। वैसे यहाँ पे आके मैं अपनी बहन से पूरी मेहनत करवा रही हूँ। और ये देखिए फिर हमने बना लिए अपने लिए चाय, मैंने और मेरी बहन के लिए। और अभी हम लोग गरम गरम चाय पियेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। और मैं आज जाने वाली हूँ सुष्मिता के घर, क्योंकि इनविटेशन दिया था उसने मुझे। तो पहले मैं शानू और सब लोगों के लिए सुबह खाना ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाऊँगी। तो इसमें दाल है और इसमें मैं ये गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ अपने भाई के लिए, क्योंकि उसको गोभी, आलू, मटर इन सब की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसके लिए बना के जा रही हूँ और दाल बना रही हूँ। और बाकी मैंने उनसे बोला है कि तुम लोग जो है चावल चढ़ा लेना, चावल खुद से बना लेना। और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और इसमें मैं अभी जो है दाल बनाने वाली हूँ, फ्राई दाल। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है। बस इसको मैं थोड़ा फ्राई करने के बाद, इसमें मैं दाल जो है मेरी बॉईल हो चुकी है मसूर की दाल, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा ब्राउन ब्राउन करके भून लूँगी हल्का सा उसके बाद। और इसमें मैं थोड़ा हल्दी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी। फिर उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा जब गलने लगे नमक डालने के बाद, तो उसमें मैं दाल डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा पानी मिक्स कर लिया क्योंकि इसमें भी अभी बॉईल आएगा। तो ये मेरी दाल हो गई है कंप्लीट। रेडी सुष्मिता के घर जाने के लिए, उसका भी कॉल आ चुका था, मतलब कि तुम लोग अभी कहाँ हो, रेडी नहीं हुए हो। और तब मैंने नहाया भी नहीं था, तो मैं उसके बाद फटाफट मैंने नहाया, और मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया इसी वजह से कि लेट हो जाएगा। ऐसे ही नहा के बस मैंने पोनी बना ली, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे। और शानू और स्वाति के लिए मैंने ऑलरेडी खाना बना दिया है, और उन लोगों से बोला है बस तुम अपने लिए चावल बना लेना। और ये देखिए एक और मैडम भी रेडी होके आ गई है। चलो हम लोग निकल रहे हैं अभी। आज कितने दिनों बाद जीन्स पहन के कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये इस टाइप का टॉप अच्छा लग रहा है। स्वाति स्वाति के पास भी देखा था मैंने, एक ये दिख नहीं रही है ऐसे दिखेगी। अरे निष्ठा भी लिपस्टिक लगाने लग गई यार। के खड़े हुए हैं ये, अभी उसको फोन करना पड़ रहा है कि मतलब उसको बुलाने ही गेट नहीं, ऊपर लॉक गेट करके लॉक खड़ी है हम लोग यहाँ। नहीं तो 10 मिनट हो गए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अब आया ये गौतम। मान
बस ये यही चाहिए ना। हाँ, इन लोगों को तो यही चाहिए होता है। नहीं, इन लोगों को तो यही चाहिए होता है। मिताली को जितनी टाइसन की याद मिल गई। मिताली को जितनी टाइसन की याद आ रही थी सब बराबर उसको भी ले ही आती। पप्पू तुझे पता है पौधे लगाने के बाद में गर्मी से पसीज जा रहा है इसलिए टपक रहा है। तो देखिए हम लोगों को बुला के इतनी जल्दीबाजी, और देखिए अपना इसने खुद अभी नहा भी नहीं रखा है, सॉरी नहा सुबह ही लिया था इसने, बस हेयर वॉश कर रही है, इसने हेयर मास्क लगाया हुआ था दही का तो वही वॉश कर रही है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ब्लॉग में डाल देती हूँ अपना। देखिए वहाँ पे से मेरे को गालियाँ दे रही थी इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया इसके ऊपर से। तो हम इससे वही बोल रहे थे तू अभी तक सर्वर नहीं धोया, अभी हम लोग आए हैं तू अभी सर धो रही है यही वो, तो वो हंस रही थी। तो फटाफट से हेयर वॉश कर रही है, उसके बाद हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे मारेंगे। और ये देखिए सुष्मिता के घर के पीछे का बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पे से पत्थर वगैरह आते हैं बहुत, बोल रही थी वो। और यहाँ पे जो है रश्मि दी ने हम लोगों के लिए सलाद भी काटा हुआ है, राजमा चावल भी ऑलरेडी प्रिपेयर है, और ये सुष्मिता अभी हमको पिलाने वाली है चाय, ये वीडियो से छुप रही है। नहीं, थोड़ा पानी अच्छा भाभी देख बीड़ी भी रखी तेरे पीने के लिए चाय के साथ में सुट्टा। ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पीते हम, हमारे घर पे भी पता है बस पापा ही पीते हैं ज़्यादा दूध वाली, क्यों पता है क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं होता, तो इसलिए उनको उस जला जला के गाढ़ा करके फिर लेना पड़ता है। हम मैं भी ऐसी बनाती पता है, मेरी मम्मी और तेरी जीजू वाली जल्दीबाजी में, और वही चाय टेस्टी होती है। फिर मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही है ना। बॉबी के हाथ की चाय कितने दिनों बाद, वैसे मैं फर्स्ट टाइम पीऊंगी ना तेरे हाथ की चाय। शगल दिखा अपनी, हमारी इतनी से तू मेहमान नवाजी कर रही है, हमारे लिए चाय बना रही है। हैं सुष्मिता, तो तूने बनाया तेरे हाथ की चाय मैं फर्स्ट टाइम पीने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं पी है। गरम गरम अदरक वाली चाय ठंडी में, मतलब इलायची डाल के भी चाय बना रही है। अभी ये पांच इलायची दे रही थी, मैंने बोला तीन दे दे, बोले एक तेरी एक मेरी एक निष्ठा की। हमारे लिए आज स्पेशल चाय बन रही है ना सुष्मिता। सुष्मिता चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है स्पेशल स्पेशल? ये दो इंग्रेडिएंट्स से स्पेशल चाय मिलती है, कहीं भी जाके बोलो स्पेशल चाय, स्पेशल अदरक और इलायची। सुष्मिता आ जाओ। गौतम क्या कर रहा है? मैं पेंसिल नहीं मिल रही है, खो गया। पेंसिल तेरी वाइटी ले गई, वाइटी ले गया। वाइटी नहीं खाली। कहाँ है? उधर है वाइटी। वो देख वाइटी, गमले के पीछे। हाय हम कितने सुंदर लग रहे हैं यार आज धूप में। रश्मि भी आई गई, रश्मि देखो बेटा भाई। तो यहाँ देखिए हम लोगों की जो है प्लेट लगा चुकी है ऑलरेडी रश्मि दी, और देखिए कटोरे पे दही है और सैलेड रखा हुआ है और ये राजमा चावल। ये देखो गौतम, हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ गए। हाँ, तो साफ है बॉबी स्पेशल पर्सन। संगीत में जाने के लिए रेडी हो रही है, पहले फेस वॉश कर रही है अच्छे से। मेरा भी जाके दिखा दे। सगी मुड़ गई। तो अभी सुष्मिता जाएगी संगीत में, हम लोग जाएंगे घर को। नहीं जाएंगे, ये भी हमारे
भाभी हम बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं जा सकते ना। भाभी ऐसा नहीं कि यहाँ में कोई जानता नहीं है, जानते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, नहीं जानते तो हम चलते हैं। उनको क्या याद है कि उन्होंने के लिए कोई नहीं तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे को घर, फिर घर जाके क्या करेंगे, थोड़ा देर सो जाएगी। एक घंटा है, बहुत तेज नींद, धूप में बैठे हुए थे ना अभी तक, बहुत तेज, इसलिए आंखें बंद हो गई थी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे कुछ ही देर में, मतलब कुछ ना बहुत देर बाद ही मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, देखिए मेरे लिए चाय बन रही है। उन दोनों को मैं दूध दे के आ चुकी हूँ, और आज जो है ना पापा फिश लेके आए हुए हैं, तो इसको अभी वॉश करके इसको भी फ्राई करना है। ये देखिए फिश आई है, और पापा बैगन लाए हैं, यहाँ पे वो कीनू होता है ना, कीनू संतरे जैसे होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, वो लेके आए हैं। भिंडी लाए हैं, तभी मैं फटाफट से, अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी मैं, 5:30 बजे, अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी चाय बना रही थी मैं अपने लिए। मैंने उन लोगों को अभी चाय नहीं दी, अरे मैंने उन लोगों को दूध ही दे दिया। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो रात के डिनर के लिए देखिए मैं ना राइस फ्राई करने वाली हूँ। चावल बचे हुए थे दिन में बहुत सारे, तो वही मैं ऐसी प्याज और हरी मिर्च वगैरह से फ्राई कर लूँगी। और मैंने जो है एग को भी हल्का भूज के रख दिया, देखिए छोटे छोटे करके, उसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी लास्ट में। तो ये प्याज के अंदर मैंने ये डाल दिया, थोड़ा नमक, अभी हल्दी भी डाल दूँगी, फिर इसको थोड़ा हम ऐसे ही साटे कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी राइस थोड़ी देर में, पहले इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे लाइट ब्राउन होने तक का। और ये देखिए मैंने इसी में डाल दिया ये एग की भुर्जी, और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं बचे हुए चावल, अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे बस। फिर हमारा जो है 4 लोगों का रात का डिनर आज का कम्प्लीट है। और ये देखिए फिश भी हमने फ्राई करके रख ली है, अभी बस खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के सोने जाना है। बाद मेरी बहन ने मेरी 2 चुटिया बना के दी है, और अभी फेस वॉश वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ, क्रीम भी लगा चुकी हूँ, और अभी नींद आ रही है, सोने का टाइम हो गया, 11:30 बज गया है। तो अभी हम सोने की प्रिपरेशन में ही हैं। मेरी बहन ने आज मेरी बहुत मदद की, अब बहुत अच्छा लग रहा है ना सर, ठंडा ठंडा। अभी कर हेयर वॉश करूँगी, और तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो टाटा, गुड नाइट।